नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि और कर्क राशि के जातक दशहरे के समय में, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि सुख समृद्धि आए, जीवन में तरक्की आए, व्यक्तिगत विकास हो। तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, मैं बताता हूँ। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। तो चलिए, सबसे पहले तो हम मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातक दशहरे के दिन आप रामायण के आरण्यक कांड का पाठ करें। आरण्यक कांड और कुछ लोग आरण्यक कांड भी बोलते हैं। इसके बाद हनुमान जी को पान अर्पित करें। पान पूरा होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिथुन राशि के जातक यदि ये चाहते हैं कि वो संचार में, संपर्क में आगे बढ़े, सुख समृद्धि हो, तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए और साथ में आपका जो आरण्यक कांड है वो चलता रहेगा। मानसिक स्पष्टता, क्रिएटिविटी, बेहतर संचार कौशल और सुख समृद्धि के लिए आप माता सरस्वती की भी पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि मिथुन राशि के जातक रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर 4, 5 या 13, कौन सा 4, 5 या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो 4 मुखी, 5 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कीजिए। 13 मुखी महंगा होता है, तो फिलहाल एट प्रेजेंट अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो 4 मुखी या 5 मुखी से शुरुआत कर सकते हैं। अब हम कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के जातक आप दशहरे के दिन पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ कीजिए। किसका? पंचमुखी हनुमान कवच, और साथ ही हनुमान जी को आप पीले फूल चढ़ाइए और फिर चढ़ाने के बाद उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दशहरा आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है। आपका विकास होगा, व्यक्तिगत विकास भी होगा। नकारात्मकता और भावनात्मक बाधाओं पर काबू पाने के लिए, जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए आप माता काली की भी पूजा कर सकते हैं उस दिन, दशहरे के दिन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि के जातक 3 मुखी, 5 मुखी गौरी शंकर या फिर 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 14 भी धारण कर सकते हैं, 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। गौरी शंकर 3 और 5 मुखी तो नॉमिनल कॉस्टिंग पे मिल जाती है, पर गौरी शंकर रुद्राक्ष थोड़ा सा महंगा है, पर 14 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो बाद में आप पहन सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष जो नेपाल का होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, उस भी आप चाहें तो पहन सकते हैं, कैपेसिटी तो बिल्कुल पहनना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको shivago.com और omja.com पे मिल जाएगा, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। धन्यवाद।